अब वो घड़ी आ गई है जब बप्पा को आखिरी विदाई दी जा रही है। मुंबई में लालबाग के राजा की विदाई अब अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। कल से निकली लालबाग के राजा की शोभा यात्रा इस वक्त गिरगांव चौपाटी पहुंच रही है, जहां लालबाग के गणपति का विसर्जन किया जा रहा है। गणेश उत्सव की कोई भी बात बिना मुंबई के गणपति उत्सव की चर्चा के पूरी नहीं होती है। मुंबई में लगने वाले गणेश पंडालों की बात हो रही है और ये लालबाग का राजा का जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि लालबाग के राजा जो है वो सिर्फ मुंबई या भारत भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। हर साल लाखों लोग लालबाग में गणपति बप्पा की झलक पाने के लिए आते हैं। लालबाग के राजा गणेश जी की मूर्ति सबसे ऊंची गणपति मूर्तियों में से एक होती है। लालबाग का राजा का इतिहास बेहद पुराना है। इनकी स्थापना जो है वो 1934 में हुई थी। 1900 के दशक में लालबाग का क्षेत्र मछुआरों और कपास कारोबारियों का इलाका था। उस समय में इसे गिरन गांव या नीलों का गांव भी कहा जाता था। साल 1932 में जब औद्योगीकरण हुआ तो बाजार बंद हो गए। इसे वहां रहने वाले व्यापारी, विक्रेता और मछुआरे समुदाय बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। मान्यता है कि यहां पर मछुआरे समुदाय के लोगों ने मन्नत मांगी कि अगर उनका रोजगार बचा रहा तो वे गणपति का उत्सव करेंगे। यह उनका सौभाग्य था कि उन्हें एक नया बाजार शुरू करने के लिए जमीन का एक भूखंड मिला। समुदाय के सदस्यों ने इस भूमि का एक हिस्सा वर्तमान लालबाग वार्षिक सार्वजनिक गणेश पंडाल को समर्पित करने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने अपने भगवान के प्रति सम्मान दिखाने के लिए यहां गणपति की एक मूर्ति भी स्थापित की और इस तरह ये सब शुरू हुआ। इसलिए लालबाग के गणपति को मन्नतों का गणपति भी कहा जाता है और माना जाता है कि ये सबकी मुरादें जो हैं वो पूरी करते हैं। 1935 में यहाँ के कामली परिवार ने मुखिया मधुसूदन कामली ने गणपति की मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी ली। तब से मूर्ति बनाना और उसकी देखभाल करना उनके परिवार की परंपरा रही है। लालबाग के गणपति की विदाई के लिए शोभा यात्रा 10वें दिन निकलती है, लेकिन शोभा यात्रा दिन से रात तक चलती है। गिरगांव चौपाटी तक 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 से 20 घंटे लग जाते हैं और अगले दिन सुबह यानी 11वें दिन प्रतिमा का विसर्जन होता है।